अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। हातेगांव क्षेत्र में आपका विरोध शुरू हो गया है। नाम की घोषणा होने से पहले ही जो है आपके फोटो पर क्रॉस के निशान और कांग्रेस से नहीं चलेगा वाले पोस्टर चर्चा का विषय है, क्या कहेंगे आप? पोस्टर शायद कल रात में आया है। हमारा देश सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और चुनाव एक उत्साह के रूप में हमारे इस लोकतंत्र की खासियत में रहे हैं, क्योंकि राजनीति में हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच बने। और इस चुनाव में मेरे ख्याल से पहला फाइल विपक्षी दल द्वारा कर दिया गया, क्योंकि पोस्टर के साथ ये कहा गया कि नहीं चलेगा, तो चलेगा क्या ये उनको स्पष्ट करना था। जो विरोध था उसको नहीं दर्शाया, लेकिन सुबह सुबह मुझे कम से कम 25-50 फोन इसलिए आ गए कि आप ही हैं, आपका फोटो हमने आज देखा, आप ही हैं, हमने आपका फोटो देखा। तो मुझे तो लगा कि एक प्रचार मुझे मिल गया। विपक्षी दल की प्रत्याशी की घोषणा हो गई, घोषणा होने के बाद उन्होंने ये पोस्टर शायद जारी किया है, तो मुझे तो लगता है कि मुझे तो प्रचार प्रसार का एक अच्छा मौका उन्होंने दे दिया। क्रास लगाया, उस क्रास का जवाब मैं जब जनता के बीच जाऊंगा तो जवाब भी दूंगा। लेकिन मुझे तो आज की तारीख में एक शेर याद आ रहा है कि जिसमें कहा जाता है कि हे खुदा मेरे दुश्मन को सलामत रखना, वरना मेरे मौत की दुआएं कौन करेगा। तो इसलिए मैं तो चाहता हूं कि मेरा विपक्ष ऐसा ही फलता फूलता रहे, मेरे पोस्टर लगाता रहे। पोस्टरों में अगर कोई कारण बताया जिसमें मैंने जनहानि की हो या किसी प्रकार का कोई मैंने दोष या दिया हो, दोष को लेकर करा रहा तो मैं मान लेता। लेकिन विपक्षी दल कांग्रेस के प्रत्याशी को तय करने का अधिकार नहीं, ये प्रत्याशी कांग्रेस के हाईकमान तय करेंगे। कांग्रेस की जो निर्धारित समिति वो तय करेगी, उसके आधार पर प्रत्याशी का चयन होगा। प्रत्याशी के रूप में अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं कांग्रेस के एक कार्यकर्ता के रूप में काम भी करूँगा, और अगर नहीं मिलता है तो मैं पूरे समय कांग्रेस के लिए उपलब्ध हूँ। जहाँ कांग्रेस पार्टी भेजेगी वहाँ मैं काम। आपका ऐसा दावा कैसे कर सकते कि विपक्ष की साजिश है, कांग्रेसी भी इस तरह की हरकत कर सकते? देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ता को अगर करना होता तो बीच में लगातार हमारे पर्यवेक्षक आए, ऑब्जर्वर आए, हमारी यात्राएं निकली, और यात्राओं के दौरान एक बार ऐसा हुआ भी है कि कुछ प्रत्याशी खड़े हो गए थे कि हम प्रत्याशी के रूप में होना चाहिए, उन्होंने अपना प्रदर्शन प्रदर्शित भी किया। और समय समय पर जो हमारे लोग आते हैं, माननीय राष्ट्रीय प्रभारी जी संजय दत्त जी आए, हमारे जिले के प्रभारी जी आते हैं, दिग्विजय सिंह जी, माननीय कमलनाथ जी, सबका दौरा हुआ है, उस समय भी विरोध प्रदर्शित हो सकता है। लेकिन विरोध प्रदर्शन का कहीं कारण नहीं बना है, क्योंकि प्रत्याशी घोषित हुआ है, और प्रत्याशी घोषित होने के बाद कहीं जो एक उन्हें लगता है कि मेरे आने के बाद हो सकता है किसी प्रकार की कोई कठिनाई हो, तो मुझे तो लगता है कि इस पोस्टर से मेरे कांग्रेस में रैंक बढ़े हैं, नंबर बढ़े हैं, और हो मुझे लगता है कि कांग्रेस अपना प्रत्याशी मुझे बना के भेज सकती है। लेकिन भैया, इसका ये भी तो हो सकता है नुकसान आपको कि अब पार्टी संगठन आपके नाम पर विचार करने को मजबूर हो जाएगा आपका विरोध? नहीं, देखिए, कांग्रेस में जो एक वैधानिक वो है उस प्रक्रिया से लगभग कांग्रेस गुजर चुकी है। ऐसे दृष्टिकोण में अगर एडिशनल कहीं ना कहीं ये फाइट होगा तो कांग्रेस को तय करना, कांग्रेस हाईकमान जो भी निर्णय देगा मुझे स्वीकार है। लेकिन कांग्रेस क्या करती नहीं है, मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ, क्योंकि कांग्रेस का अगर कार्यकर्ता होता तो वो कहीं ना कहीं बात रखता, उसको मुखरित होने का अधिकार है। और आपने देखा समय समय पर वहाँ अलग अलग सभा, एक सभा में मैं खुद मौजूद था, लेकिन वहाँ कुछ लोग खड़े हो गए कि हम में से कोई प्रत्याशी होना चाहिए, तो मैंने उसको स्वीकार किया, क्योंकि ये हमारा जनतंत्र है, जनतंत्र में हमको कार्यकर्ता की बात को स्वीकार करना पड़ेगा, वो हम स्वीकारेंगे। लेकिन ये करते हैं, आपको याद होगा कि चुनाव के प्रत्याशी की घोषणा होने के दूसरे दिन आता है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो प्रत्याशी को डर है। एक तो जो एक बड़ा वोट बैंक जो उनके साथ जाता है हमेशा, जिसको कि उन्होंने ये सोच रखा कि ये तो मेरा बंधुआ है, वो वोट बैंक खिसक सकता नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं जनता के बीच जो मेरी हमेशा मौजूदगी रही है सहजता सरलता के साथ, वो कारण रहा है। तो वो अपना कारण तो कहीं ना कहीं विरोध स्वरूप प्रदर्शित करना चाहते हैं। और मेरे ख्याल से अगर स्वस्थ राजनीति है तो स्वस्थ राजनीति में हमको अगर दोषारोपण करना तो खुलेआम करना चाहिए, जैसे मैं खुलेआम माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर उनके आम कार्यकर्ता तक खुलेआम बोल रहा हूँ, उसका जवाब इनके पास नहीं है, जवाब नहीं दे पा रहे हैं। मैंने माननीय जो वहाँ के प्रत्याशी उनके परिवार के खिलाफ आरोप लगाए हैं कि उनके भाई जो बीपीएल में थे कैसे आज 3 करोड़ के व्यवसायी हो गए, क्या किस प्रकार के धंधे चल रहे, मैं खुलेआम बोला हूँ। उन चीज़ों को लेकर अगर बात होती तो ठीक थी,
लेकिन मैं तो फिर यही कहता हूँ कि मेरे दुश्मन सलामत रहे, पोस्टर लगाते रहे ताकि मैं क्षेत्र में जनता तक पहुँचता रहूँ। नहीं देखिए, मुझे मैंने कहा ना मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। आज तो मैं आपके सामने घर पे बैठा हूँ, अगर तैयारी होती तो मैं फील्ड में होता। मेरे को जो पार्टी काम देती वो काम में करता हूँ। दीपक जोशी किसी फील्ड के मोहताज थोड़ी कि किसी को काम करने के। दीपक जोशी बड़ा नाम है और पहचाना नाम है। नहीं मैंने बताया ना, देखिए क्योंकि कल मेरे यहाँ पारिवारिक एक कार्यक्रम है, आपको पता है श्राद्ध पक्ष है, मेरे यहाँ बड़ा कार्यक्रम है, उसकी तैयारी कर रहा हूँ। मेरी बहन परिवार के सब लोग आए हुए हैं तो मैं उस काम में भी लगा हूँ। लेकिन पार्टी ने काम दिया, कल मुझे कोई काम दिया था, मैं उज्जैन और इंदौर दोनों जगह गया था, काम अपना करके पार्टी तक पहुँचा दिया मैंने। यदि पार्टी आपको मैदान में उतारती खाते गाँव से, तो अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त है और नाराज नेताओं को कैसे साधेंगे? कांग्रेस की इस वक्त मध्य प्रदेश में एक सर्वे के आधार पर नहीं, हर आदमी कह रहा है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, चाहे मीडिया हो, चाहे पब्लिक हो, चाहे प्रशासन, सबका कहना है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। ऐसे दृष्टिकोण में उस सरकार को रोकने के लिए आपने देखा कि बीजेपी ने अपने सारे नीति सिद्धांतों की अवहेलना कर दी। बीजेपी में कहा जाता था कि पहले कार्यकर्ताओं का सर्वे होता था, हमारे यहाँ सर्वे, मैं खुद सर्वे करने गया, मंडल के कार्यकर्ताओं को बुलाया जाता, जिले के कार्यकर्ताओं को बुलाया जाता, वो सिस्टम ध्वस्त कर दिया। ऊपर से सीधी सीधी लिस्ट आई, लिस्ट आने के बाद इस प्रकार के नाम आए कि जो राष्ट्रीय टीम में खेलते थे उनको क्लब में खेलने का मौका दे दिया। तो ऐसे दृष्टिकोण में मैं तो कह सकता हूँ कि आज कहीं ना कहीं जो एक भागादौड़ी का माहौल है कांग्रेस में नहीं, बीजेपी। कांग्रेस अपनी नीति निर्धारण के अनुसार काम कर रही, लगातार बैठकें चल रही है, मंथन चल रहा है। आपने खुद ने देखा कि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकें दिल्ली में दो दो तीन तीन बार हुई, मध्य प्रदेश में सर्वे हुआ है, उस सर्वे में कहीं ये बात देखने को नहीं मिली। तो मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कांग्रेस आज कमलनाथ जी के नेतृत्व में और उनके विजन के साथ चुनाव लड़ रही है। जनता को 15 माह का जो काम इन्होंने दिखाया था, कहा कि 15 महीने में कुछ नहीं हुआ और हमने 18 साल में ये कर दिया, और आखिर में लाडली बहना भी आके कांग्रेस को बीजेपी को अपनी बात रखना पड़ी। तो कहाँ विकास और कहाँ मुद्दे और कहाँ शिक्षा और कहाँ स्वास्थ्य, सब मुद्दे गोंद करके बीजेपी आज जो चुनाव जीतना चाहती, जनता उसको समझ चुकी है और कांग्रेस इस पर बहुमत के साथ आएगी। और मैं तो कह रहा हूँ देवास जिले की भी 5 सीटें कांग्रेस जीतेगी। ठीक है।